भैया प्लीज मुझे बचाओ भैया। मम्मी सच कह रही थी, उन्होंने कहा था शहर की लड़कियों से दूर रहो, लेकिन ये नहीं कहा कि लड़की पास आ जाए तो क्या करना है। भैया कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं भैया, मैं मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। ए भाई 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 रुको रुको, अकेली लड़की को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती, जाने दो। तेरे को लड़की दिखती है, ये जो तेरे पीछे खड़ी है ना, ये मेल फीमेल की पैकेज डील है, समझा? ऐसा ही क्या? देखो भाई, ये पहले ही किस्मत का सताया हुआ है, मैं आपसे डबल हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। आज अपनी किस्मत में यही लिखी है, तू अपनी किस्मत में टांग नहीं अड़ाने का, समझा गया? चल निकल। भांजे काहे कचरे में हाथ डाल के अपने हाथ खराब कर रहा है? अभी तो शुरुआत है मामा, ऐसे लोग रहे तो कचरा तो साफ करना ही पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो? पहले तो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, अब तालियां बजा रहे हो, शर्म नहीं आती? चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। चलो मामा। भैया दिन भर आदमियों के पीछे घूमकर चंद रुपयों के लिए उन्हें दिलबर डार्लिंग पता नहीं क्या क्या कहती हूँ, पर आज पहली बार दिल से किसी को भैया कहने का मौका मिला। जब तक जीऊंगी दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो। देख तूने जो किया है तुझे उसी की सजा मिली है। ए महादेव, इसकी अकल और सेहत दोनों ठीक करना। पता नहीं मेरे बेटे की किसने ये हालत करती है, मैं सब छोड़ूंगा नहीं। मालिक भैरव, वो मेरा इकलौता बेटा है, पता नहीं ठीक होगा कि मैं जानता हूँ वो ठीक हो जाएगा, मैंने महादेव का टीका भी लगा दिया। अच्छा मालिक, आपके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो मेरी होने वाली बीवी पर हाथ डाल रहा था, सजा तो मिलनी ही थी। तेरी तो तुम चुप रहो, चुप रहो, चलो। ओए! जिस जगह उस लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की ये हालत की, वही उठा कर ले आएंगे मेरे आदमी उसे, बीच बाजार उसकी इज्जत नीलाम करेंगे, तब मुझे सुकून मिलेगा। और जो तूने गद्दारी की है उसके बदले तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। देख करके सिर्फ कपड़े फटे तेरे आदमी नहीं, आज सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी तेरा नमक खाया था, अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो ये शहर तेरे लिए कम पड़ जाएगा,
बनाने वाले हाथ इसे चलाना भी जानते हैं। बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चाहता तो बिना बताए भाग जाता, लेकिन तेरा नमक खाया है इसलिए तेरे से नमक हरामी कैसे करता। जिन चमचों के बलबूते पर तू कूद रहा है ना, उनमें से कोई टिकेगा नहीं मेरे सामने। ए! तू बीच में मत आ, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। तेरे बेटे ने गलती की इसीलिए उसे सजा मिली। उसके बदले में तूने और तेरे आदमियों ने मुझे पीटा, वो भी मैंने बर्दाश्त किया। अब हम दोनों का हिसाब बराबर। तेरे बेटे ने जो गलती की वो तू भी करने जा रहा है। ऐसा मत कर, मेरे अंदर के शैतान को मत जगा। काट डालूंगा। पुलिस स्टेशन चलो। सर भैरव। सर यही मेरा भांजा। रुको 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 रुको, गाड़ी रुको। हेलो। अरे हेलो। हाँ सर बोलिए। एसीपी, हमने उस भैरव को मामूली आदमी समझने की गलती कर डाली। मेरे बेटे की हालत का जिम्मेदार वही है, मुझे वो चाहिए। मेरे हाथों से कोई बच ही नहीं सकता सर, घबराइए मत। चल गाड़ी में बैठ, चल चल जल्दी। अरे राठौर का बेटा कैसा है सर? इस हीरो ने उसको इतना पीटा कि वो तो बेचारा निकल लिया। अरे बाप। अभी अभी देख कर आया मैं।